हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो आज हम बना रहे हैं सब्जियों का बहुत ही लाजवाब नाश्ता। इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया उबले आलू, उसमें डाल दिया गाजर, शिमला मिर्च, पनीर और प्याज। आप अपनी मनपसंद कोई भी सब्जी इसमें डाल सकते हैं। और मसालों में मैंने ले लिया धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। और नाश्ता को चटपटा बनाने के लिए इसमें डाल देंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर। आप चाट मसाला भी ले सकते हैं और डाल दें हरी मिर्च, धनिया। आप अपने स्वाद अनुसार मसालों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। रेडी है हमारा आलू का मिक्सर। घोल तैयार करेंगे। घोल तैयार करने के लिए यहाँ पे कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा नमक, चाट मसाला, और आप यहाँ चाट मसाला की जगह आप लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अब एक घोल तैयार कर लेंगे हम। स्लरी जिसमें हम ब्रेड को, अपने ब्रेड को डिप करेंगे। अब ब्रेड के हम चारों साइड्स को हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको बेलन से अच्छे से हम इसे फ्लैट कर देंगे। इसके लिए ब्रेड ताजी होनी चाहिए। अगर ब्रेड ताजी होगी तो अच्छे से फ्लैट हो जाएगी। और हम ब्रेड पैक के ऊपर लगा देंगे हम ग्रीन चटनी, जिससे कि है और भी टेस्टी बनेगा है नाश्ता। और हमने बीच में डाल रख दिया हमने अपने आलू का मिक्सचर। और इस ब्रेड को हम साइड्स में गोल लगाकर इसे अच्छे से हम रोल कर लेंगे। अच्छे से दबा दबा कर हम रोल कर लेंगे। हमारा ये रेडी है ब्रेड रोल, बोले या तो ब्रेड सिगार बोल सकते हैं। हमारा रेडी है। जो हमने कॉर्नफ्लोर की हमने स्लरी बनाई थी उसमें हम पहले डिप करेंगे, फिर इसे ब्रेड क्रम से अच्छे से कोट कर लेंगे। ब्रेड क्रम से कोट करने से हमारा नाश्ता बाहर से एकदम कुरकुरा बनेगा। और तेल में हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई कर लेंगे अच्छे से। ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी होता है। अंदर से पूरी सब्जियों की फिलिंग भरी हुई होती है और बाहर से एकदम कुरकुरा और क्रंची नाश्ता बनता है। ये हमारा रेडी है ये ब्रेड वेजी रोल। तो एंजॉय कीजिए, आप भी अपने घर में बनाइए और सबको खिलाइए। मैं आपको यहाँ पे तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से वेजीज की फिलिंग कैसी दिख रही है और बाहर से एकदम क्रिस्पी है ये नाश्ता। देखिए अंदर पूरी फिलिंग भरी हुई है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।